अगर आपने रिटेल या होलसेल बिजनेस करती है, आपके लिए चाहिए एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर। मैंने आज ये फीचर आपको दिखा देंगे, रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा एक फीचर बनाया, इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया हुआ है। जैसा आपने प्रोडक्ट टाइप करके सेल करेंगे, अपने आप जाकर के सेव हो जाएंगे, उसका सेल्स रिपोर्ट सब कुछ आ जाएंगे, और दोबारा आपने अगर सेल करेंगे वो जो प्रोडक्ट का पहले लेटर आपने टाइप करेंगे, तुरंत वो प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, प्राइस भी आ जाएंगे, आपने सीधा ऐड टू कार्ट करके सेल कर सकता है। इस तरीके से सुपर सुपर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है रेंडक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में, आपको इतना यूजर फ्रेंडली है। और ये जो सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक भी इस वीडियो के नीचे आपको देख सकता है, उसका एक्टिवेशन की भी आपको मिल जाएंगे वहां से। उधर से तीन स्टेप है इसको इंस्टॉल करने के लिए। फर्स्ट स्टेप अपना जो क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल कर दीजिए, सेकंड अपना बारकोड का फॉन्ट इंस्टॉल कर दीजिए, थर्ड अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और एक्टिवेशन की डाल दो, आपको चला लीजिए जी। आप एक बार ये सॉफ्टवेयर को एक बार यूज करके देख लीजिए, आपको इतना मन पसंद आ जाएंगे जी, मेरा वादा है जी आपको। ये जो रेंडक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला है बिजनेस में, क्योंकि इसमें इतना सारे फीचर्स हमने ऐड किया हुआ है। जैसा फॉर एग्जांपल अभी जो नया लॉन्च किया हुआ है अपना क्विक सेल पैनल, यानी कि बिना प्रोडक्ट ऐड करते वक्त भी आपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है, यानी कि सीधा सीधा जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है, ये पूरा लिस्टिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा प्रोडक्ट लेके, कोई कस्टमर लेके आती है प्रोडक्ट रखो, मतलब सिंपल तरीका से उसका बिल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जीन्स, मैंने जैसा बोल दिया जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में और स्टोर में किधर ऐड भी नहीं किया, हमने सारे प्रोडक्ट्स अपना शेल्फ में रखा हुआ है। कस्टमर आ गया, कुछ माल उठाया कस्टमर, इस तरीके से देखो ये जो माल उठाया, इसमें सबसे नीचे एक कैमरा है और इसका बीच में एक माइक है, माइक माइक्रोफोन और दो शर्ट जो भी है, ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे, ये मेरे को सेल करना है, कस्टमर सामने खड़ा हुआ है, ये उसको सेल करना है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी डाला नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर एक बार, आप सीधा जाके उसको अंदर देख लीजिए। मैंने इसको ऑन कर दिया, जो राइट साइड में आपको दिखाई देती है स्टॉक, स्टॉक में आप देख लीजिए, देखो इसमें स्टॉक में क्या आइटम है, मात्र एक ही आइटम मैंने डाला था। देखो ये जो चूड़ीदार बोल के एक आइटम डाला था, वो चूड़ीदार है ही नहीं है इसमें, हमने अभी सेल करने वाला शर्ट और जो दो शर्ट है हमारे पास, जो शर्ट है और एक माइक है और एक कैमरा है, कस्टमर सामने आके खड़ा हुआ है। अभी मैं बताता हूँ, मेरे पास दो प्रिंटर है हमारे पास, मैंने दोनों में प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। एक A4 का एप्सन का जो प्रिंटर है ना, देखो आप देख सकते हैं इसको, और एक थर्मल प्रिंटर है, ये दोनों में हमने प्रिंट कर सकते, कोई भी एक यूज कर सकता है हमने, या मैंने ऐसा नहीं बोला दोनों यूज करो, नहीं, कोई भी एक यूज करो, या ये यूज करो, ये यूज करो, अगर चाहिए तो दोनों यूज करो। मैंने दोनों में हमने सपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको रेंडक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर, उसके कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करो, सीधा जाइए आपने पीओएस स्पीड, हमने जो नया पैनल बनाया एकदम एडवांस्ड पैनल है, आप इसको देख लीजिए, देखो पीओएस स्पीड में क्लिक कर दीजिए। इसमें आपने देखो इसका ये माल उठाया, ये जो शर्ट है, ठीक है जी, शर्ट इसको उठाया, SHIRT शर्ट करके मैंने जरा टाइप कर दिया, एंटर मार दिया, इसको समझ लीजिए आपने क्या प्राइस में सेल करेंगे, 400 रुपये में, क्योंकि ये जो सब में हमने कोड डाल के रखता है, जो पीछे जो हमारा शॉर्ट कोड है, हमको पता होता है क्या प्राइस में इसको सेल करना है। अगर बार्गेन करना है तो बार्गेन करके भी, अगर कस्टमर में बार्गेन करता है वो प्राइस भी इधर आपको चेंज कर सकता है। मैं आपने इधर ऐड कर दिया और दोबारा इधर आपने दो सेकंड शर्ट जो है उसको आपने यस टाइप करेगा, तुरंत उधर आ गया नाम, आपको कीबोर्ड से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता है जो लास्ट सेल किया प्राइस उधर आ जाती है। लेकिन अभी करंटली मैंने इसको क्या प्राइस में सेल करूंगी, 800 रुपये में, इसको सीधा डाल दिया 800 रुपया, सिंपल। और ये जो इसका प्राइस क्या है, देखो ये जो माइक है, माइक इसको मैंने शॉर्ट कोड इधर डाला हुआ है, बारकोड जो है तो बारकोड भी डाल दो उसका, सर उसमें क्या प्राइस है, 2000 रुपये में सेल किया हुआ है, इसको डालेंगे हमने माइक, ये ऐड कर दीजिए और ये माइक टाइप करो, MICK क्या है माइक, MICK माइक जो भी आपने टाइप कर दिया, 2000 रुपये इधर डाल दीजिए। GST वगैरह है तो वो भी डाल सकता है, उधर GST डालने के लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है, इधर देखो GST का भी ऑप्शन हमने डाला हुआ है। अब इसको ऐड टू कार्ट कर दीजिए और दूसरा क्या है, कैमरा, ठीक है जी, कैमरा जो है, ये जो कैमरा है जो लिनक्स जो भी है, इसका भी कोई भी एक प्राइस मैंने उदाहरण का रूप में डाल देता हूँ, CAMERA कैमरा, ठीक है जी,
कैमरा को जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ डाल दिया, 1000 रुपीज़ में कोई कैमरा नहीं मिलता है फिर भी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए डाला हुआ है। आरटीटू कार्ड्स, अभी देखो इतना आइटम 4200 का सेल कर रहा हो, अपने जो राइट साइड में सेटल बोल के एक बटन इधर दिखाई देती है उसमें क्लिक कर दीजिए, आपको 3 इंच में अगर प्रिंट करना है, ये जो प्रिंटर है इसमें प्रिंट करना है अगर, तो इसमें समझ लीजिए 5000 रुपये कस्टमर ने आपको दिया हुआ है, आप इसको सीधा सेव एंड प्रिंट क्लिक कर दीजिए, सेव एंड प्रिंट, प्रिंट इनवॉइस आपको तुरंत क्या होना चाहिए, यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। देखो देखो जी, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो गया। देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखो मैंने ये जो बिल प्रिंट होकर के इधर डाल दिया, देखो आप देख सकते हैं, देखो सबसे ऊपर आपका कंपनी का नाम सब कुछ आ जाती है, देखो इस तरीके से आपका कंपनी का नाम सब कुछ आ गया, इधर आपका जो एड्रेस वगैरह जो भी है वो आ जाएंगे, और आपने जो जो प्राइस सेलेक्ट कर दिया ना, जो प्रोडक्ट जो भी टाइप कर दिया तुरंत इधर आ जाएंगे, और उसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट इधर आ जाएंगे, देखो इसका नीचे उसको कितना क्वांटिटी वगैरह वो आ जाएंगे, टोटल अमाउंट आ जाएंगे, अगर टैक्स अगर डाल दिए तो वो भी आ जाती है। ठीक है जी, देखो कैश उन्होंने कितना दे दिया आपके हाथ में, इसका जो वापस कितना दिया, ठीक है, इसका नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन वो सब कुछ लिख के प्रॉपर तरीके से बिल आपको तुरंत तुरंत प्रिंट कर सकता है, या बिना ऐड किया प्रोडक्ट भी। और इन केस ये जो प्रिंटिंग हमको A4 प्रिंटर में करना है, ठीक है जी, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। मास्टर प्रिंटर में जाकर के एक बार प्रिंटर का A4 डाइवर्ट कर दीजिए, थर्मल सेटिंग्स में हमने जो लेसर प्रिंटर सेलेक्ट कर दिया, इसमें लेसर और इंक टैंक दोनों सेम होता है, अपडेट कर दिया, हो गया। POS स्पीड में फिर जाइए आपने, फिर आपने वही आइटम सेलेक्ट कर दो, फिर शुरू से सेलेक्ट करता हूँ मैं शुरू से A4, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को A4 का बिल चाहिए, जो भी आइटम होने दीजिए। सबसे पहले हमने शर्ट सेलेक्ट किया था, देखो ये जो शर्ट उठा दिया, ये आपने शर्ट करके इधर टाइप करो, सबसे पहले देखो 800 रुपये लास्ट सेलिंग क्या प्राइस है उधर आ जाती है, सेव हो जाती है अपने आप। समझ लीजिए आपने क्या प्राइस डाल देंगे इसको, इसको 200 रुपये में सेल किया था, 200 डाल दीजिए, ये वाला कलर शर्ट 200 रुपीज़ का था, ठीक है, आपने सीधा इसको ऐड टू कार्ट कर दीजिए, और ये वाला दूसरा शर्ट जो है लाल कलर का 800 रुपये का था, शर्ट टाइप करो, ऑटोमेटिक आ गया, प्राइस चेंज करो चाहिए तो 800 रुपये डाल दीजिए ऐड टू कार्ट। और दूसरा क्या जी, माइक, ठीक है माइक आपने इधर M टाइप करोगे तुरंत आ जाएगा, अपने आप जाके सेव हो जाते हैं, देखो माइक MIC के माइक हमने क्या प्राइस में 2000 रुपये में सेल किया था लास्ट टाइम, अपने आप आ जाती है प्राइस उधर, देख सकते हैं आपने, देखो प्राइस इधर सीधी सीधी आ जाती है, आने पे काट कर दीजिए। और ये कैमरा, ठीक है कैमरा आपने सेल कर दो, CA कैमरा, देखो कैमरा सेलेक्ट कर दिया, अपना प्राइस आ गया, देखो 1000 रुपीज़ में सेल किया था, देखो है ना, इतना सिंपल तरीके से आ जाती है जी। एक बार हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है ना, वो अपने आप जाके सॉफ्टवेयर में सेव हो जाती है वो प्राइस का साथ, ये फायदा है इसका, ठीक है ना। ये भी आपने ऐड टू कार्ट कर दीजिए, आप इसको सेटल कर दिए, सेटल करते वक्त इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देते, देखो कोई भी प्रिंटर को आपने चूज करना है, समझ लिया आपको A4 को चूज करना, देखो A4 सेलेक्ट कर दिया मैंने, और 4000 इधर डाल दीजिए, 4000, ठीक है जी, जो भी ये प्राइस को आपको सेल करना है, सेव एंड प्रिंट कर दीजिए, सेल, यस सेव एंड प्रिंट कर दीजिए, आपने इधर प्रिंटर बटन दबाओ, कोई भी आइटम का हमने दूसरा प्राइस डाला था Epson 1300, देखो सीधा सीधा इसमें प्रिंट आ जाएंगे, A4 का प्रिंटर में प्रिंट आ जाएंगे प्रॉपर तरीका से। और सारे जितना भी आपने सेल किया, जो भी जितना भी सेल किया, आज का सेल किया है, सारे के सारे रिपोर्ट भी आपको मिल जाएंगे शाम का टाइम, यानी कभी भी आपको देख सकता है इसमें, इतना मतलब प्रोफेशनल वे में काम हो जाएंगे। और दूसरी खासियत चीज यही है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो प्रोडक्ट्स अगर परचेस करता है, तो मात्र प्रोडक्ट का नाम परचेस में उधर टाइप करेगा, ऑटोमेटिकली आपने परचेस करने के लिए संविधान भी दे देती है। देखो इतना प्रॉपर तरीके से आपको ये A4 का इनवॉइस प्रिंट करके आएगी जी, मैंने इसको भी थोड़ा सामने दिखा देता हूँ आपको, ये जो देखो A4 इनवॉइस, ये देखो आपने इसको सबसे ऊपर देखो, आपका जो भी कंपनी का नाम सब कुछ आएंगे, और जो कस्टमर का डिटेल्स अगर चाहिए तो वो भी भर सकता है सॉफ्टवेयर में, और जो भी अमाउंट आपने डाला है वो सब कुछ इधर आ गया, देखो जो भी अमाउंट डाल दिया, और उसका नीचे जो है उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएंगे, जो कितना अमाउंट दिया उन्होंने, कितना बैलेंस दिया है, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बिल आ जाएंगे जी, देखो। और नीचे सिग्नेचर वगैरह करने के लिए वो भी जगह छोड़ा हुआ है, देखो नीचे, ठीक है ना। इस तरीके से प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आपको A4 बिल चाहिए तो वो भी निकाल सकता है Rhindeck POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में।